अरे बीटीएस भाई, क्या कर रहा है तू मेरे साथ? ऐसा ना कर भाई, मैं ये बता दूंगा सबको तेरी हरकतें कि भाई तू क्या ये हरकतें कर रहा है मेरे साथ। नहीं, ब्लिंक भाई, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, बस आपसे हग ही पा रहा था। चल हट, दूर हो साले मेरे से, कहेंगे भाग यहाँ से। अरे तू तो सही में भाग गया रे, इतना बड़ा कैसे हो गया रे तू? वापस आ, वापस आ, नहीं तो हड्डी नहीं दूंगा आज रात को खाने के लिए। वापस आ, बीटीएस कहेंगे, जल्दी आ वापस। अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ, क्यों चिंता ले रहा तू? तो कैसे हैं आप लोग? आज हम एक ऐसे बैंड की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत नाम कमा लिया है, और ये एक ऐसे प्राणी भी हैं जिन्होंने बहुत बदनाम भी हुए हैं। वाह, शायरी तो नहीं बनी, बट चलो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक ऐसे प्राणियों का बैंड के ग्रुप की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत नाम कमा लिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही है, उसके नाम है BTS, बड़े टू समाज वाले। वाह 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 वाह, ये तो बड़े बना दी भाई। तो भाई हम इसकी बात करते हैं। इस ग्रुप में है 7 मेंबर। पहले मेरे को लगा 9 मेंबर है, फिर मेरे को लगा भाई इनकी शक्ल देख के लगे होंगे कि मेरे को लगा कि ये चल 6 मेंबर होंगे, पर मेरे को फिर पता चला कि भाई ये है 7 मेंबर। तो चलिए आज हम इन 7 के बारे में बात करेंगे। तो इनका मेन लीडर है RM। जी, बिल्कुल सही, इनका पहला मेन लीडर है, उसका नाम है RM। RM कौन है? RM का मतलब है रैबिट माइस। ओ बोला नहीं, RM शॉर्ट फॉर्म है। RM का मतलब है किम नाम चुंग। इसका फुल फॉर्म है किम नाम जून, जो कि कोरियन डांसर है, और वैसे जिसको कुछ नहीं आता, ना था ना चला, बस नाम नाम का डांसर है ये, वो बंदा है। इसकी मम्मी से पूछा कि आपने इसका नाम किम नाम जून क्यों रखा, तो पता चला कि भाई इसके सिर में बहुत ज्यादा जुए हो गए थे, इसलिए इसका नाम रख दिया किम नाम जून। जून मतलब जून। क्या जोक मारा भाई। दूसरे नंबर पे आता है जंगकुक। जी हाँ, ये है, देखिए ये है जंगकुक की शक्ल, आप शक्ल देखिए इसकी ध्यान से। तो भाई ये वो प्राणी है जो नाचता तो बहुत बढ़िया है, पर जब बोलने के बारे आए इसका मुंह नहीं खुलता। और दूसरी बात, इसका नाम जंगकुक कैसे रहा? इसकी मम्मी को शायद कुक पसंद होगा, इसलिए इसका नाम जंगकुक रख दिया। वाह 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 वाह, कुछ भी कुछ भी। तीसरे नंबर पे आता है किम ताहुंग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, किम ताहुंग, जो कि कहने में तो दुनिया का सबसे क्यूट पर्सन दिखने में है, पर असली में सुअर है। सही कहा मैंने। और आपको एक और बात, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये और जंगकुक आपस में रिलेशनशिप में है 2 साल से। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे आप, लड़का लड़का रिलेशनशिप में है, मतलब दे आर गेज। बिल्कुल सही बात है भाई, प्रूफ नत्ते, आप फोटो देख लीजिए। और बहुत सारे हेटर्स हैं जिनको बोलता भाई ये फेक बोलता है, ये बोलता है। भाई लो रुको एक मिनट, गूगल पर सर्च मारता तुम्हारे सामने, लो गूगल पे देख लो क्या रहा भाई, गूगल पे लिख के बता दे, तुम खुद पढ़ो भाई क्या क्या रहे। झूठ नहीं बोलते भाई, छोटा ब्लॉगर हूँ, जैसा मर्जी ब्लॉगर हूँ, पर जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। अरे वाह, पॉलिटिक्स में होना चाहिए फिर को तो वैसे। चलिए 3 हो चुके हैं, अब चौथे की बात करें। चौथे का नाम है सूगा। जी हाँ, जिसको सूजन हो जाए उसका नाम है सूगा। जी हाँ, ये भी कोरियन पॉप का 4 नंबर पे आने वाला डांसर है, जो कि डांस बहुत बढ़िया करता है। पर आपको इसकी एक बात नहीं पता, ये और RM एक बार स्टेज पर नाच रहे थे तो दोनों गिर गए, दोनों रोने लग गया था। भाई तुम लड़के हो और इतने बड़े बड़े हो रहे हो, 33 साल के हो, अंकल हो रहे हो तुम, फिर भी रोते हो भाई, शर्म नहीं आती भाई? क्या यार, हमारे हरियाणा में आ जाओ, 10 साल का बच्चा अगर कोई रो रहा है ना, 11 साल वो रोना छोड़ देगा, इतने हमारे यहाँ के लड़के बढ़िया हैं। पता नहीं तुम फेमस कैसे हो गए भाई, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा, सारे दिखने में छुछुंदर हो तुम तो। चलो हमने क्या करना, अगले की बात करें। अगला है इनका जिमिन। एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आप बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर्स एंड जिमिन, तो उसने आंसर दिया टॉल एंड शॉर्ट, सारे ठीक है पर जिमिन बेचारा छोटा है, इसलिए वो गिट्ठू को जिमिन कहते हैं। वैसे उसका असली नाम कुछ और है पता नहीं, पर BTS में इनको सारे जिमिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बड़ा तेज है, शार्प है बोलने में, पर एक्टिंग वगैरह कुछ नहीं आती इसको, एक तरह से आप कह सकते हैं इसमें 0 टैलेंट वाला बंदा है ये। तो चलिए अगले हम बात करते हैं, अगला कौन रह गया? जिमिन हो गया, सुगा हो गया, सारे तो हो गए भाई, रह कौन गया? जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब इनका आ गया है सबसे, ये कह लो अजीब कार्टून वाला करेक्टर, इसका नाम है जे होप। जी आपने बिल्कुल सही सुना, इसका नाम है भाई जे होप। भाई पहली बात पहले तुम ही बताओ, ये नाम है कोई? जे होप, सुगा, किम नाम जून, जंगकुक, भाई सुगा, भाई सुगा रख लो,
सुअर 1, सुअर 2, सुअर 3, सुअर 4, ऐसे सुअर 7 तक। मजाक नहीं कर रहा भाई, क्या रोस्ट मारो तुम्हारे बता। तो आज हम मैं आपको बताता हूँ इनका फैक्ट जे होप के बारे में। जे होप है बहुत बड़ा नशेड़ी, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, और ये नहीं, ये सात के साथ ऐसी हैं। मैं आपको सातों की पिक दिखा सकता हूँ कि भाई सातों साथ इतने तगड़े नशेड़ी हैं। और आपको एक बात बताता हूँ, जब भी स्टेज पर ये डांस वगैरह करते हैं तो भाई ये हमेशा स्टेज पर लड़कियों को बुलाते हैं, कभी लड़कों को नहीं बुलाते। क्यों भाई? क्योंकि इनका मेन फोकस ही गर्ल्स पर रहता है। और ये नहीं, इन्होंने हमारे इंडिया देश के भी गर्ल्स को BTS आर्मी बना रखा है। और यहाँ पर गर्ल्स कहती है अपने आपको हम BTS आर्मी है। भाई पहली बात, देश में बस एक ही आर्मी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, BTS आर्मी। का आर्मी है, किसको प्रोटेक्ट करते हो तुम भाई? BTS को, उन सबको को भाई जो आपस में शादी कर रहे हैं। क्या यार तुम भी गेज हो गया क्या यार? BTS को प्रोटेक्ट करेंगे, BTS आर्मी। वाह भाई, अपने देश के लिए कर लो ना तुम कुछ, लड़कियों पढ़ लिख लो भाई। तुम BTS आर्मी कमेंट में बता देंगे हम वी आर BTS आर्मी, वी आर BTS, वी लव BTS भाई। बटे टू समझ बोले तुम जो BTS को लव करते हो। क्या यार तुम्हारे से बात करना खराब है। तो चलिए अब हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। सबसे पहले किम नामजून के बारे में। किम नामजून भाई एक बहुत तगड़ा नशेड़ी भी है और एल्कोहलिज्म भी है, मैंने आपको बताया था। और एक बार स्टेज पर नाच रहा था तो भाई एक बार स्टेज पर नाचते नाचते इसके पैर में चोट लग गई और इतने जोर जोर की रोने लग गया कि मान लो पूछो मत, हम जैसे पूछे लड़के जो ऑडिटोरियम में खड़े थे हंस हंस के पागल हो रहे थे। क्या यार। और यही बात करें जिमिन की, जिमिन की मैंने आपको बताया है बहुत छोटी हाइट का गिट्ठू बंदा है, जो अगर खड़ा हुआ इंसान देखे किसी को तो दिखता नहीं है, इसलिए उसको हिल्स पानी पड़ेगी। भाई तू हिल्स पा सकता है, देख हम कुछ नहीं कहेंगे, आज का लड़का लड़की सब बराबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किम ताहयुंग की। किम ताहयुंग की शॉर्ट नेम वीवी है। हाँ जी, वी फॉर मतलब वी फॉर वेरी डेड पर्सन। जी हाँ बिल्कुल सही, जो है बहुत क्यूट, दिखने में बहुत स्मार्ट है, पर एक तरह से सच बात है जो इंटरव्यू में पता चला है कि वो भी भाई के है। जी हाँ बिल्कुल सही बात भाई, उसको भी लड़कों से प्यार है क्योंकि वो लड़कों खुद ही कह रहे उसने इंटरव्यू कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। भाई नहीं है तो नहीं है, हम क्या करें भाई, नहीं है तो भाई। पहली बात, ये BTS है ना, सातों सातों अजीब है भाई, अजीब जानवर वाला गाना है ना, वो सातों पे सातों पे सूट करता है, मजाक नहीं भाई। बस ये छोटी सी वीडियो बनाई थी आपके लिए, आगे इंपॉर्टेंट मैं अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा इनके लिए, बताने के लिए आप सबको कि भाई इनके बारे में अच्छी तरह ब्रीफली बता सकूं, तो उसके लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप बता देना मुझे अगली वीडियो में किस पे बनाऊं। तो आप हाउ यू लाइक दिस वीडियो, और हाँ जाते हो आज भाई जो देखना BTS का, तो उन लोग BTS का भाई देख के जाते हैं, इंडिया में इनका एक भाई रहता है तो उस भाई को जरूर देख के जाना। और यही नहीं, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप उसको क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब तो नहीं कहेंगे, आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो भाई मैं अपना डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा, और आपके साथ मिलते हैं कल। अरे जो भाई को तो देख के नहीं गए, भाई को तो देख जो तुम यार, ये लो देखो भाई, और मिलते हैं आपका कल। कैसे हैं आप लोग? आज हम जिस प्राणी की बात करने जा रहे हैं वो दूसरे ही मेंबर है इस BTS का, बहुत उच्च समाज वालों का। तो चलो आज उसके बारे में बात करते हैं। पहले तुम भाई ये पिक देखो, इस प्राणी का नाम है जंगकुक। भाई पहली बात तो पता नहीं क्या नाम रखे इसका, जंगकुक भाई सिंपल कुकर कर लेता है, इससे बढ़िया हम भी समझते हैं भाई ये कुक अगला बंदा, जंगकुक, जंग में कुक करा हुआ जिसने, बापची एक तरह से बापची कह सकते हैं भाई हम। ये नेपाली भी दिखने में नेपाली है, वैसे एक कोरियन है। चलो आज इसी के बारे में बात करेंगे। चलो एक दूसरी बात, नेपाली तो भाई दिखने में, चलो जैसा मर्जी हो दिखने में, भाई इसकी फोटो देखो कैसा नशेड़ी है। तो ये तो, और क्या नाम था उसका, ताहयुंग जो भी है, उससे भी तगड़ा नशेड़ी है। तो भाई इतना नशेड़ी बंदे को पता नहीं लड़के कैसे इतना पसंद कर लेते भाई, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। क्या करें भाई क्या करें। और देख इसकी उम्र भी कितनी, 26 साल की आंटी है ये, ओ आंटी कह रहा हूँ, अंकल है 26 साल का। भाई देखो तो सही क्या है ये, कुछ नहीं ना भाई इसके अंदर तो। क्या यार क्या चॉइस है गर्ल्स तुम्हारी। भाई मैंने इसका गूगल पे नाम सर्च मारा,
देखो भाई पहले तुम देखो गूगल पे इसका भाई, इसको शॉर्ट नेम से निकले से कुकी बुलाते हैं लोग। भाई पहली बात तो तू गे है। ऊपर से गे को कुकी कौन बुलाता है भाई, तुम ये बता दो भाई। क्या यार पता नहीं आजकल के भाई क्या जमाना आ गया। कोकी कोकी भाई, कोकी नहीं इसका नाम रख लो डॉग, कोई भी डॉग का नाम, और जैसे कि क्या रख सकते हैं इसका नाम, टोमी रख लो, कुछ और रख लो कोकी। दूसरी बात भाई तुम ये पिक देखो, ये भाई केला कैसे खा रहा है भाई, केला को केले की तरह खा लेना भाई। क्या आदमी आ तू, ये तो केला भाई, ये देख हम भी तो खाते हैं इसको। क्या यार क्या आदमी है ये भाई, कहने में इतने बड़े एक्टर हैं पर इसके बाल देखो तुम, इस प्राणी के बाल देखो जरा भाई, ऐसे कौन रखता बाल भाई। तू कैसे मर्जी है था, गंजा हो जा, लंबे रख ले भाई, ऐसे खड़े कर रखे जैसे 100 का उठा हुआ या किसी ने करंट लगा दिया इसको 440 वोल्ट का। और भाई मैंने इसकी 2-3 वीडियो देखी, मैं यूट्यूब पर आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा भाई। ये तो नाचते रोन लग जाता है वो भाई, कैसे रोंदड़ी हो तुम बीटीएस सारे भाई, तुम सारे बीटीएस वाले ऐसे रोंदड़ी हो गया भाई। इससे अपडेट मार को रख लो, कम से कम हम रोएंगे तो नहीं, सही बात नहीं भाई, जब देखो रोन लग जाएगा। और भाई तुम जरा इसकी दोबारा ये पिक देखो भाई, ये तो देखना इसके दांत देखो कितने पड़े। अरे ब्रश ही करना करे तुम, ये भी हो तो साथ ब्रश भी तो कर ले करो भाई इसके। तुम साबित ही करते रहते हो अपने आप को कि तुम ये हो, मैं बोलना नहीं चाहता बार बार भाई, समझे करो। क्या सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, देखिए आप ये पोस्ट देखिए, जिसमें लिखता है कि बी माय गर्ल। भाई पहली बात तो बी माय गर्ल की लिखा तूने, तू लिख बी माय बॉय। भाई तूने गर्ल क्यों लिख दिया, तू लिखना कम से कम बॉय तो लिखवा भाई, तूने गर्ल टाइप कर दिया भाई, बॉय लिख भाई, तू बॉय। भाई दूसरी बात, हमारे यहाँ पे नमस्ते करने की प्रथा है दोनों हाथों से, और इस भाई ने भी अपने ट्वीट करा है नमस्ते में दोनों हाथ दिखाए हैं, पर इस भाई ने देखो जरा नमस्ते करी कैसी है भाई, दूसरा हाथ का ले लिया तुमने, इस हाथ को नाक के अंदर ले लेना भाई, ऐसा करने का क्या फायदा है, अंदर ले लेना उसको भी। तो कैसे हैं आप लोग, तो भाई आज मैं जिस प्राणी की बात करने जा रहा हूं उसका आइडिया एक मेरे ही सब्सक्राइबर और एक मेरे ही दोस्त ने कमेंट में दिया था, तो भाई उसका नाम है किम नाम जून। हाँ सही सुना भाई, किम नाम जून भाई, जू ही हो गया सिरे में भाई। ऐसे ही नाम हो पता नहीं भाई, क्या यार कोई कह रहा था बीटीएस आर्मी का बंदा है। फिर भाई मैंने इसको सर्च मारा अच्छी तरह, फिर मुझे पता चला कि भाई ये प्राणी क्या चीज है भाई, इसके लिए लड़के दीवानी है। और मैंने बीटीएस की शक्लें देखी तो भाई सबकी शक्लें थी, मुझे समझ ना आया भाई इनमें से असली किम नाम जू है कौन, जुआ है कौन। तो भाई चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और चलो मजा आएगा। सबसे पहले तो तुम इस प्राणी की फोटो देखो, तो इसके बारे में कुछ खास पता चला नहीं तो इन्हीं से पूछते हैं भाई। चलो किम नाम जू पता कौन है, पता तेरे को किम नाम जून कौन है, पता क्या भाई, देख ये भी मना कर रहा है, पता है? हाँ पता है, देख भाई गली मोहल्ले के हर कुत्ते को इसका नाम पता है। हमारी लड़कियों को इनका नाम पता है, आंटियों को भी पता होगा, पर भाई हम लड़कों को ही नहीं पता भाई ये है क्या चीज है। एक तो इन सारा सारा सबकी शक्लें सेम, ऊपर से भाई देखा जाए भाई सब कुछ सेम, दिखने में सेम, हाइट सेम, बल सेम, भाई क्या अजीब जानवर है भाई ये आदमी, अजीब जानवर है कितना भी। आओ इसके बारे में आज पता करेंगे। तुम सारे एक बार ये फोटो देखो, पहले देखो भाई कितना बड़ा नशेड़ी है बंदा, तो और इसके लिए भाई ऐसे सारे फैन है। चलो नशेड़ी तो छोड़ो, ऊपर से बीटीएस बहुत टूच समाज वाले। अरे वाह ये तो बढ़िया नाम दिया, बहुत टूच समाज वाले, वाह बीटीएस फॉर बहुत टूच समाज, वाह 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 ये तो बढ़िया हो गया। देखो भाई एक तो नशेड़ी, ऊपर से भाई ये भी है जो भी है। और यही नहीं, ये देखो गूगल पे मैं नाम सर्च करता हूँ उसका, किम नाम जो देखो गूगल पे क्लिक करा, इसको कहते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, GOD गॉड, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। भाई तू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं, तू GG है, गॉड ऑफ गेज। समझ भाई समझ,
और भाई ये देखो तुम भाई, एक बार स्टेज पे क्या हुआ, एक बार नाचते ही ये गिर गया, इसका पैर मुड़ गया, रोने लग गया भाई। भाई तू इंडिया में आ जाए, 10 साल के ऊपर का कोई बच्चे देख ले वो भी नहीं रोएगा भाई जैसे ये रो रहा है, रोंदरूड़ू कहेंगे। जी भाई तू जी जी ना कि गॉड, तू है जी जी गॉड, गॉड ऑफ गेज। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये वैसे तुम अपने एक भाई को यहाँ पे भी छोड़ गए थे, ले भाई तेरे को उससे मिला देता हूँ।